नमस्कार साथियों, ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक्स में आपका स्वागत है। वर्मी बेड पे पानी देने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये मेथड है जहाँ पे हम कोई स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं, जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे रेनगन लगा हुआ है और लगभग 30 फीट के रेडियस में ये रेनगन जो है कवर कर रहा है। ये एक मेथड है जिससे हम अपना वर्मी कंपोस्ट बेड में पानी डाल सकते हैं। ये मेथड नॉर्मली हमको तब डालना होता है जब हमें पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है बेड़ों में, क्योंकि बेड़ों में बहुत नीचे तक पानी नहीं दे पाता ये सिस्टम। तो जब हमें पानी की आवश्यकता थोड़ी कम हो तब हम ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब जो सीज़न चालू हो रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और कुछ हद तक अप्रैल तक, अप्रैल से लेके और अक्टूबर या सितंबर तक हम बोल सकते हैं, हमें ये मेथड फॉलो करना चाहिए जहाँ पे हम पाइप के द्वारा पानी डालते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है 1 इंची या 1.5 इंची के पाइप से हम जब पानी दे रहे हैं अपने बेडों में, ये क्या होता है, ये पानी का बहुत सारा मात्रा एक साथ हमारे बेड में डालता है और ये काफ़ी गहरा नीचे तक जा पाता है, तो बेड को पूरे अच्छे से ये नहला सकता है या गीला कर पाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे बेडों में लगभग 60-70% मॉइस्चर होना चाहिए। वो 60-70% जो मॉइस्चर है ना, वो ये ऐड कर पाता है जो हमारा रेनगन या स्प्रिंकलर सिस्टम है वो उस लेवल तक नहीं जा पाता है। लेकिन विंटर में हमें हमारा मॉइस्चर लॉस जो है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू समर सीज़न। तो गर्मियों में हमारा मॉइस्चर काफ़ी लॉस होता है इसलिए हमको पाइप से देना पड़ता है, और विंटर सीज़न में हमारा मॉइस्चर लॉस कम होता है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं निकलता है बेडों से, तो हम उसमें रेनगन यूज़ कर सकते हैं। और तरीकों के अलावा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक बेड में कितने समय तक हम पानी हमको देना होता है। देखिए इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक हमारा ये तरीका है कि भाई अगर हमारा 50 फीट का बेड है और हम 2 HP की या 1.5 HP के मोटर्स के फोर्स से हम पानी दे रहे हैं जहाँ पर हम 1 इंच का पाइप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में लगभग 6 से 8 मिनट तक हमको एक बेड में पानी देना होता है अगर आपका बेड का साइज़ जो है 50 फीट बाई 4 फीट का है। और अगर हम रेनगन की बात करें, अगर हम रेनगन या स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो एक जगह पे एक लोकेशन पे लगभग 1 से 1.5 घंटा हमको स्प्रिंकलर सिस्टम या रेनगन चलाना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में अपने अपने एटमोसफेयर में ठीक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा। इसके अलावा ये है कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कब कब पानी डालना है हमें, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे सीज़न में हम किस सीज़न में हैं और हमारा टेम्परेचर क्या चल रहा है अभी। अगर मौसम जो है जिसमें टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है तो हमें रोज़ एक बार पानी देना है। अगर हमारा 30 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में है तो हमें पानी दूसरे या तीसरे दिन देना है। अगर 20 डिग्री से नीचे हमारा टेम्परेचर जाता है तो हमें हफ्ते में एक बार पानी देना है, और अगर 15 डिग्री से नीचे आता है तो बेड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देना है। अगर बेड हमारा ड्राई हो रहा है तो पानी देना है, अगर ड्राई नहीं हो रहा है तो हमें पानी नहीं देना है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेरी होता है या डाउट होता है कि क्या हमें 2 बार पानी देना है दिन भर में। देखिए 2 बार पानी देके हमें कोई बस ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो गोबर है या हमारा जो बेड है वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो 2 बार पानी आप ना देके एक बार ही दें। अगर 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो रोज़ देना है, 30 और 20 के बीच में है तो दूसरे या तीसरे दिन देना है, 20 से नीचे है तो वीकली करना है इसको आपको, और अगर 15 से या 12 के आसपास हो तो रिक्वायरमेंट बेसिस पे करना। अगर बेड ड्राई हो रहा है तो देना है, बेड अगर ड्राई नहीं हो रहा तो नहीं देना है। जय हिंद साथियों।